अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला को अपने रिजवान में रखे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। माजरत के साथ मैं नाश्ता आज नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं नाश्ता कर चुका हूँ, क्योंकि मैं रात को सो गया था दूसरे वाले घर पे और मैं अभी सुबह यहाँ पर आया हूँ। आप लोग सोचते होंगे ये क्या नाम है, ये दोनों घरों की क्या कहानी है, तो इंशाल्लाह आपको दोनों घरों के बारे में बहुत जल्द पता चलेगा, क्योंकि आपको दोनों घरों के जब होम टूर करवाएंगे और सबसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो आज फिलहाल घर पे आई हुई है पप्पो बड़ी वाली और अभी वो बना रही है नाश्ता। सो गाइस, ये बन चुका है दादी का नाश्ता और ये मैं देने जा रहा हूँ दादी को। आपको तो पता है माशाल्लाह पाकिस्तान की सूरत हाल लाइट होती ही नहीं है कभी भी। ये लीजिए आपका नाश्ता। तो नाश्ता हमने दे दिया है। तो गाइस, अल्लाह के फजल करम से आ गई लाइट और अभी करना है मुझे ऑफिस का काम, और ऑफिस का काम थोड़ा सा ज्यादा है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे हम डायरेक्ट जोहर की नमाज के बाद। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ अभी जोहर की नमाज पढ़ के, और अभी दादी पढ़ रही है नमाज और मैं जा रहा हूँ अभी दूसरे घर पर। तो मिलते हैं आपको वहां से आने के बाद। वेलकम बैक गाइस। मैं घर से आने के बाद मैं सो गया था और काफी देर से मैं एक फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। उनको मैंने कॉल करी है, वो कह रहे हैं मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, और फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ रेडी होने के लिए। तो मिलते हैं आपको रेडी होने के बाद। सो गाइस, यहाँ हो गए हम रेडी और दोस्त हमारे आए नहीं है, लेकिन इस फिल वक्त हो गया है आसर की नमाज का टाइम, तो चलते हैं अभी नमाज पढ़ने के लिए। मिलते हैं आपसे नमाज के बाद। सो गाइस, मैं आ गया था नमाज पढ़ के और अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट। मुझे नहीं पता मार्केट में कितना टाइम लग जाएगा, तो डायरेक्ट आपको मिलेंगे मगरिब की नमाज के बाद। वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ अपने घर के सबसे अहम फर्द से, मीट माई दादी। हेयर इज माई दादी। तो आज ही मैं आज इनसे ही मैं अपना कह रहा मैं ब्लॉग एंड करवाने वाला हूँ। तो दादी बोलो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दिखाएं इस ब्लॉग को। भाई इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा प्यार दिखाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।